सैफ करीना के लाडले तैमूर अली खान की हंसी को नजर लग गई है। जो तैमूर लोगों की सुबह थे शाम थे वो आप लोगों की नजरों से जा चुके हैं। शायद आपके घर में भी कोई तो होगा जो तैमूर का बहुत बड़ा फैन होगा। बहुत से लोगों में कुछ लोग तैमूर की जब तक एक फोटो नहीं देख लेते, एक झलक नहीं देख लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता होगा, क्योंकि तैमूर अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीत लेते हैं। हर रोज 4 साल के तैमूर की कोई ना कोई फोटो या वीडियो कुछ लोगों का दिन बना देती है। अगर आप भी तैमूर के बहुत बड़े फैन हैं, तो ये खबर आपके लिए भी बहुत जरूरी है। वैसे तो तैमूर हर रोज सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, लेकिन आज वो किसी सीरियस टॉपिक को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि तैमूर अब सोशल मीडिया से गायब होते जा रहे हैं, और ये जानकर उनके फैंस को बड़ा झटका लगा है। और उन्हें गायब करने वाली एक दिन की बच्ची है। जी हाँ, ये नन्ही बच्ची कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की बेटी है। विरुष्का की बेटी अन्वी ने तैमूर को एक दिन में ही पछाड़ दिया। आप कहते होंगे कि तैमूर की क्यूटनेस को कोई पीछे नहीं कर पाएगा, तो आप भी सुन लीजिए, सोशल मीडिया के मीम्स देखकर आप भी देख लीजिए कि वो आ गई है जिसने तैमूर की हंसी गायब कर दी है। जैसे ही विराट कोहली ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी, तब से लोग अन्वी को छोड़कर तैमूर के पीछे ही पड़ गए। विराट कोहली ने 11 जनवरी की रात ट्विटर पर लिखा, मेरे घर लक्ष्मी का आगमन हुआ। वैसे ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। हर तरफ बस यही खबर सुनने में आ रही है कि तैमूर अली खान की गद्दी खतरे में आ गई। क्या अन्वी के आने से वाकई में तैमूर अली खान सोशल मीडिया से गायब हो गए? एक तरफ अन्वी के आने की बधाइयां दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तैमूर नहीं दिख रहे हैं, तो खलबली मच गई। सोशल मीडिया पर तैमूर और अन्वी को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक के बाद एक बिंदास मीम्स देखे जा रहे हैं। तैमूर को लेकर खूब मजाक बनाया जा रहा है। कोई कह रहा है तैमूर का करियर खतरे में आ गया, कोई कह रहा है तैमूर तो गायब हो गए, तैमूर अब क्या होगा, तैमूर को एक दिन की लड़की ने पछाड़ दिया, अब आगे क्या होगा। अब आप ही बताइए, क्या सच में तैमूर की ये खबर उनके माता पिता पर भी बुरा असर डालेगी? हाल ही में तैमूर के बर्थडे को लेकर खूब चर्चा हुई थी। जिस तरह से सैफ करीना ने अपने तैमूर की हर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर उसे मीडिया से जोड़े रखा, तो अब वाकई में ये खबर भी तैमूर के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो पहले तो आप विराट अनुष्का के घर आई नन्ही परी को आप बधाई दें, और फिर तैमूर की गद्दी वाकई में खतरे में, इस पर भी कमेंट जरूर करें। सैफ करीना के तैमूर जितने बड़े होते जा रहे हैं, उतने ही स्मार्ट और समझदार होते जा रहे हैं, साथ ही उनकी शैतानियां भी बढ़ती जा रही हैं। एक इंटरव्यू में सैफ खुद कह चुके हैं कि तैमूर बिगड़ते जा रहे हैं और करीना उसे बिगाड़ रही है। सैफ ने कहा था कि तैमूर मेरा तीसरा बच्चा है, लेकिन करीना के लिए ये पहला बच्चा है, इसलिए वो कुछ बातें समझ नहीं पा रही है। सैफ ने कहा था, मैं तैमूर को लेकर स्ट्रिक होना चाहता हूँ, लेकिन तैमूर बिगड़ते ही जा रहे हैं। सैफ ने तैमूर के बारे में बताया था कि अब वो घर में धौंस जमाने लगे हैं। जब भी स्कूल जाने के लिए कहा जाता है तो वो स्कूल जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा। सैफ ने आगे कहा कि तैमूर वैसे तो बहुत प्यारा है, लेकिन जब कोई उसे किसी चीज के लिए मना करता है तो वो कहता है कि मुझे पसंद नहीं हो तुम, मैं तुम्हें मारूंगा। सैफ बता चुके हैं कि तैमूर गुस्से वाला है और कभी कभी वो हाथ भी उठा देता है। सैफ कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि वो समझदार नहीं है, लेकिन इतने छोटे बच्चे के लिए इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। इतना ही नहीं, हाल ही में तैमूर को कुछ फोटोग्राफर्स ने घेर लिया था, तो तैमूर उन्हें भी जवाब देते नजर आए थे। वो फोटोग्राफर पर नाराज होते नजर आए थे। उनका ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो फोटोग्राफर से चिल्लाते हैं, नॉट अलाउड कहते नजर आते हैं। इस वीडियो में करीना कपूर और तैमूर अली खान साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा रहा है करीना सीधे चली जा रही हैं, जबकि कैमरे की लाइट्स पड़ने पर तैमूर पीछे मुड़कर कई बार नॉट अलाउड कहते दिखते हैं। करीना कपूर उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तैमूर बार बार पीछे की तरफ मुड़कर
मीडिया से फोटोज ना लेने के लिए कहते हैं, जिसके बाद करीना उन्हें खींचकर अंदर की तरफ ले जाती है। तैमूर अक्सर मीडिया को ऐसे ही हाय बाय तो कभी जवाब देते हैं, लेकिन आज उनकी नाराजगी तो साफ देखी जा रही थी। तो तैमूर की इन शैतानियों पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। सैफ करीना इन दिनों बस दूसरे बेबी के स्वागत के इंतजार में लगे हैं। कुछ ही दिनों में इनके घर नया मेहमान आने वाला है, और उससे पहले करीना सैफ की बड़ी लापरवाही उनके बच्चे पर देखने को मिली। करीना सैफ की जरा सी लापरवाही उनके बेटे पर भारी पड़ गई। लोग करीना सैफ के तैमूर को भी सुना रहे हैं। चलिए बताते हैं हम आपको, सैफ करीना ने नन्हे तैमूर के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें खरी खोटी सुनाई जा रही है। दरअसल सैफ और करीना ने तैमूर के टैटू बनवा कर बड़ी गलती कर दी। वो इसलिए क्योंकि तैमूर अभी 4 साल के ही हुए हैं, और इतनी कम उम्र में उनके टैटू बनवाना लोगों को पसंद नहीं आया। लोग सैफ और करीना को सुनाने में लगे हैं कि आखिर इतनी छोटी उम्र में बच्चे के साथ भी खिलवाड़ करने में मजा आ रहा है। वीडियो में तैमूर व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक लोअर में दिख रहे हैं और बड़ी ही शांति से टैटू बनवा रहे हैं। हालांकि तैमूर का टैटू टेम्प्रेरी है, लेकिन फिर भी लोगों को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वैसे तो तैमूर खुद सेलिब्रिटी हैं, और इतने छोटे से बच्चे की किसी बड़े स्टार से कम फैन फॉलोइंग नहीं है। जन्म से लेकर आज भी तैमूर कहीं निकलते हैं तो उन्हें लोग घेर लेते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखते हैं। सैफ करीना भी तैमूर को वो सब एंजॉय करने देते हैं जो तैमूर चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते सैफ करीना को तैमूर की स्किन का ख्याल रखना चाहिए। इतने छोटे से बच्चे के टैटू बनवाने से उसकी स्किन पर बुरा असर भी पड़ सकता था। हालांकि तैमूर का टैटू तो टेम्परेरी था, लेकिन फिर भी तैमूर की स्किन के लिए खतरा हो सकता था। बताया जाता है कि तैमूर अपने पिता सैफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तैमूर के भी शौक अपने पिता की तरह हैं। मालूम हो 20 दिसंबर को तैमूर 4 साल के हो गए, और उनके माता पिता ने तैमूर का 4th बर्थडे बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। हालांकि उन्होंने अपने तैमूर के बर्थडे में कुछ खास लोगों को ही इन्वाइट किया था। करीना और सैफ ने शानदार तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर परिवार के कुछ खास लोग मौजूद थे। करीना ने तैमूर के लिए स्पेशल पोस्ट भी लिखा। उन्होंने तैमूर की फोटो शेयर की थी जिसमें वो अपने हाथों से गाय को चारा खिलाते हुए दिख रहे थे। करीना कपूर ने फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे 4 साल के होने पर बहुत खुश हूँ कि तुम जो करना चाहते हो उसको लेकर तुम्हारे पास ऐसा दृढ़ संकल्प, संपन्न और फोकस है जैसा तुम अब घास को उठा रहे हो और गाय को खिला रहे हो। मेरे मेहनती लड़के, भगवान तुम्हें खूब आशीर्वाद दें। अपने सपनों का पीछा करते रहना और अपने जीवन में सब कुछ करना जिससे तुम्हें खुशी मिले। कोई भी कभी भी तुम्हें तुम्हारी अम्मा से ज्यादा प्यार नहीं करेगा। हैप्पी बर्थडे बेटा माय टिम। बताते चलें, करीना कपूर ने तैमूर के जन्मदिन के मौके पर अपनी पहली किताब लॉन्च करने की जानकारी भी दी है।